सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारायण अपनी लक्ष्मी जी से बता रहे थे कि जानती हो कि हम इतने बलवान हैं कि एक से एक निशाचरों को निपटा डाले। महारानी लक्ष्मी जी बोली, मुझे पता है कि कितनी सुकुमार तुम्हारी शरीर है। कमल के फूल तो ठीक है, लेकिन आपका शरीर तो उससे भी कोमल है। महारानी लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने वक्ष स्थल पर रखती थी और अपने आंचल से ढक कर रखती थी, कहीं ऐसा ना हो कि कोमल हो पैर जो है भगवान के, मुरझा जाए, कुमिला जाए। कहा प्रभु, सब कहें तो ठीक है, लेकिन आपके मन की बात ये हमें अच्छी नहीं लगी। आप कैसे निशाचर को मार सकते हैं? तो एक दिन भगवान ने सोचा कि अब हमें बताना पड़ेगा कि कैसे मारता हूं। द्वारपाल से बोले जय और विजय से कि हमारे कक्ष में किसी को भी अंदर मत आने देना। अब जब लक्ष्मी जी जा रही थी, द्वारपालों ने कहा कि माता जी, परमात्मा ने कहा है कि हमारे कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। बोले, हम लक्ष्मी हैं, भगवान की दासी हैं, भगवान की पत्नी हैं, भगवान के सदियों साथ रहते हैं, एक क्षण के लिए अलग नहीं होते, तो ऐसे कैसे हो सकता है? महारानी पार्वती जय विजय से लड़ झगड़ करके किसी तरह घुस गई और इतने में सनत सनातन सनंदन सनत कुमार चारों भैया पहुंच गए। कहा, इसी वक्त मुझे परमात्मा का दर्शन करना है। जय विजय ने कहा, तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी भी आएंगे, तब भी नहीं घुसने देंगे। बोले, अच्छा। तब उन्होंने श्राप दे दिया, जाय निशाचर हो तो एक नहीं दो जन्म तक, दो नहीं तीन जन्म तक, तीन जन्म यह तुझ वचन प्रणामा, ये प्रमाण रहेगा जीवन भर कि तुम तीन जन्म तक निशाचर होगे। अब जय विजय का मुंह लटक गया। अब तब नहीं बने तो महाराज जी ने कहा, मना कर देना, मना किया तो तीन जन्म चलेंगे साचर के शरीर में रहे। इतने में भगवान निकल के आए, सनकाद ऋषियों से कहा, क्या बात है, गजब के देवता, अच्छा किया है आपने इनको श्राप दे दिया, इसी लायक थे। अब जब विजय ने कहा, महाराज जी ने रोका तो आपने कि कोई घुसने ना पाए और हमें उल्टा कोस रहे हो। बोले, चिंता ना करो, तुम भी चिंता ना करो, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं आऊंगा। और जानते हो परमात्मा क्यों लीला करते हैं? जब देवताओं को अहंकार हो जाता है तब भगवान निशाचरों को पैदा करते हैं।